राजकोट दूध उत्पादन संघना चेरमेन तरीके गोवर्धन तांबलिया ने रिपीट कर राजकोट सहकारी डेरी चेरमेन पद में आज चूंटी योजाई थी। चूंटी दरमियान सवार थी जयेश रादड़िया सहित आगेवानों डेरीए पहुंचा था। राजकोट डेरी की कमान फरी एक बार गोवर्धन धामिलिया हाथ में आता तेमना समर्थकों ने पशुपालकों में खुशी माहौल छे। मिशन 2014 ने ध्यान में राखी भाजपे अत्यार तैयारी शुरू कर दीधी है। तो बहुतों गुजरात विधानसभा बजेट सत्र बाद हवे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और सीआर पाटिले संगठन ने मजबूत करने की कवायत शुरू कर दीधी है। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट की सफलता बाद सीएम भूपेन्द्र पटेल और प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिले दरेक जिला प्रवास प्रारंभ्यो छे। बूथ लेवले संगठन ने मजबूत करने माटे सीएम भूपेन्द्र पटेल और प्रदेश प्रमुख 33 जिला प्रवास करते जेमा पार्टी धारासभ्य सांसदों कार्यकर्ताओं साथ जरूरी चर्चा करते मार्गदर्शन आपशे। वडोदरा कारेली बाग विस्तार में सीआर पाटिले भाजपा कार्यालय भूमिपूजन कर बहुचराजी मंदिर नजीक भाजपा नव अद्यतन कार्यालय बन से आ कार्यालय सीआर पाटिले भूमिपूजन कर प्रसंगे वडोदरा सांसद भाजपा धारासभ्य शहर प्रमुख और महामंत्री हाजर रहा। भाजपा नव कार्यालय 6 एप्रिल 2024 सुधी में तैयार थी जैसे सीआर पाटिले बात करी छे। उपलेटा धारासभ्य महेन्द्र पालड़ियाए मुख्य प्रधान ने पत्र लिखो द्वाराजी में श्रम और रोजगार विभाग द्वारा संचालित सरकारी टेक्निकल स्कूल छेल्ला घणा समय थी बंद है। हाल सरकारी टेक्निकल हाईस्कूल में सरकारी साइंस कॉलेज बनावामां आवे तेवी मांग साथ मुख्य प्रधान भूपेन्द्र पटेल और ऋषिकेश पटेले रजूआत करी है। द्वाराजी और उपलेटा 2000 थी वधु विद्यार्थी साइंस में अभ्यास करे छे। आ विद्यार्थी ने भणावा माटे राजकोट पोरबंदर और जूनागढ़ जवू पड़े छे। तो आ द्वाराजी में कॉलेज बनी जाए तो विद्यार्थी ने दूर सुधी न जव पड़े तेवी रजूआत साथ धारासभ्य ने आज सरकारी साइंस कॉलेज बनावानी मांग करी छे। सूरत में मेटास एडवांटेज स्कूल की मनमानी सामे आवी छे। वालीओ अने विद्यार्थीओ धरना शुरू कर्या छे। स्कूल में फी न भरता विद्यार्थीओ ने क्लासरूम में हाँकी कढायानो आरोप लाग्यो छे। जो कि स्कूल संचालकोए डीओ ना आदेश में पण आजे घोड़ी ने पी गया वालीओ आक्षेप कर्यो छे। वालीओ अने विद्यार्थीओ स्कूल में ज धरना पर बैठा छे। तो आजे डोनेशन की फी पहेलाथी ज भरी देवामां आवी होय तेवो वालीओए दावो पण कर्यो छे। वडोदरा शहर पूर्व विस्तार में पानी ककड़ाट यथावत जोवा मळी रह्यो छे। वडोदरा वाघोड़िया रोड पर जे वैकुंठ सोसायटी में पानी नहीं मळता महिलाओं मोर्चो मांड्यो छे। रस्ता पर उतरी महिलाएं विरोध नोंधाव्यो छे। पानी की मांग करता महिला बपोर बाद पानी की टाँकी पहुंची थी ज्यां अधिकारी न मळता महिलाओं पालिका सत्ताधीशों सामे रोष व्यक्त कर्यो हतो। नर्मदा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की आसपासना 17 गामडाओं में हजू पण लोको सुविधाओं थी वंचित छे। गरुडेश्वर तालुकाना धावड़ी गाम में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मात्र 3 किलोमीटर अंतरे आवेलू छे। गरुडेश्वर गाम में खराब रस्ता की समस्या छे। खराब रस्ता ने कारण अहीं अवारनवार अकस्मातो पण थाय छे। तो खडगदा गाम में पण बाळकोने स्कूले अने कॉलेज में जवामां घणी बधी तकलीफ थाय छे कारण के ग्राम्य विस्तार में बस आवती नथी। आ विस्तार में लोकोने अनेक वार जे रजूआत करवा छतां तंत्र तरफथी हजू सुधी कोई ध्यान आपवामां आव्युं नथी। केजीवीसीएल एक कर्मचारी थोड़ा दिवस पहला वीज बिल न भरनाराओं ने समझावा माटे अनोखी रीत अपनावी हती। कर्मचारी रसियो रूपाड़ो गीत गाई वीज बिल भरवानी अपील करी हती। हवे आ कर्मचारी ने झूंबेश रंग लावी होय तेवुं लागी रह्युं छे। पाटण स्थित उत्तर गुजरात वीज कंपनीए बाकी निकलता वीज बिल रिकवर माटे 98% कामगीरी साथे सारो देखाव कर्यो छे। पाटण ग्राम्य अने रणुज वीज कचेरीए 100% कामगीरी पूर्ण करी छे। तो वीज बिल न भरनाराओं ने रसियो रूपाड़ो रंग आज गीत है तो गाय ने बिल भरवा अपील करना यूजीबीएसएल कर्मचारी नो वीडियो सोशियल मीडिया पर खूब वायरल थयो हतो। बनासकांठा की पालनपुर मामलतदार कचेरी जिला कलेक्टरे सरप्राइज चेकिंग हाथ धर्यु हतु। कलेक्टरे मामलतदार कचेरी में विविध विभागों चेम्बर में चेकिंग करीने कामगीरी नो ताग मेळव्यो हतो। अरजदारों काम अंगे कलेक्टर तपास करी तो कलेक्टर की सरप्राइज चेकिंग थी मामलतदार कचेरी में खड़भड़ाट मची गयो हतो। सूरतना सचिन जीआईडीसी विस्तार में पुलिस नाइट पेट्रोलिंग की कामगिरी पर सवाल उठाया है कारण के एक ज रात में मोबाइल स्नेचिंग की 3 घटनाओं बनी थी। 3 पैकी की एक घटना में मोबाइल स्नेचिंग करवा जता युवके प्रतिकार कर्यो हतो अने स्नेचरो छे तेमने उपरा उपर छरीना घा झीकता तेनुं मौत निपजू हतुं। तो पुलिसे नाइट पेट्रोलिंग सामे आज सवालों उभा थया छे। 19 वर्षीय सनी चौहान नामना युवकनुं
गत रोज मोड़ी रात्र 3 अजाण्या जे मोबाइल स्नेचरों द्वारा हत्या कर दी है। जो सीसीटीवी फूटेज में हत्या लाइव आज दृश्य है कैद थे। छोटाउदेपुर नसवाड़ी में एक विचित्र घटना बनी। आज एसीबी हाथ लांच लेता झड़पायेला पंचायत डेप्यूटी एंजीनियर फरार थई गयो छे। 2 लाख की लांच मांगवाना आरोपे डेप्यूटी एंजीनियर ने पकड़ाया बाद जे नलबाड़ी सर्किट हाउस लई जवायो हतो, ज्यांथी लांचियो अधिकारी एसीबी अधिकारी ने हाथताड़ी आपी गायब थई गयो छे। लांचियो अधिकारी कोई कॉन्ट्राक्टर के अन्य व्यक्ति साथ कार में फरार थई गयो होवानी शंका व्यक्त कराई छे। મહેસાણાના બહુચરાજી મંદિર પાસે બેફામ દોડતા ટ્રેલરે રાહદારીને અડફેટમાં લીધો હતો, જેમાં રાહદારીનું ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યું છે। યુવાન બહુચરાજી પાસે ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો, જેને અકસ્માતમાં તેનું મોત થયું છે। બહુચરાજી મંદિર પાસે મોટા ટ્રેલરો માટે ઝડપી બાયપાસ શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે। निजर तालुकाना रूमकी तळाव गामनी सीमा बे बाइक वच्चे अकस्मात सर्जायो हतो। आ अकस्मात में बन्ने बाइक चालकोना मौत निपजा हता, ज्यारे एक व्यक्ति ने गंभीर इजा पहोंचता 108 मार्फते तेने सारवार माटे खसेडवामां आव्यो हतो। निजर पुलिसे गुनो दाखल करी आ अंगे वधु तपास शुरू करी छे। सूरतना सचिन विस्तार में रेलवे ट्रेक पर वीडियो बनावा जता ट्रेन ने अड़फेटे आता युवक नु मौत थयुं छे। युवक अने तेनो भाई ते 2 दिवस पहला ज रोजगारी मेळवा माटे नेपाळना चितवन थी सूरत आव्या हता अने रेलवे ट्रेक पर वीडियो बनावा जता युवक नु मौत थयुं हतुं। नवसारी शहर में आवेली खानगी होस्पिटल ना वोर्ड बॉये जे अगम्य कारणोसर जीवन टूंकाव्यु छे। होस्पिटल में पाछळना भागे आवेल क्वार्टर्स में रहता 35 वर्षना वोर्ड बॉये बीजा माळे थी झंपलाव्यु हतुं तो तेनुं मोत थयुं छे। वोर्ड बॉयना आपघातनुं कारण हजु अकबंध छे। नवसारी सिविल होस्पिटल में पोस्टमोर्टम बाद मृतदेह परिवार ने सोंपवामां आव्यो छे। राजकोट क्राइम ब्रांचे मजूरो पासेथी लूट चलावती गेंगनो पर्दाफाश कर्यो छे। झड़पायेली गेंग मात्र 20 दिवस में 22 जेटली लूटने अंजाम आप्यो होवानुं सामे आव्यु छे। राजकोट में एकल दोकल श्रमिकों ने आंतरी तेने छरी बतावी रोकड़ मोबाइल लूटती गेंग ताजेतर में ज सक्रिय थई हती। आ झड़पायेला शख्सोए परप्रांतीय मजूरों ने शिकार बनावता हता अने मामूली रकमनी ज लूट चलावता हता, जेथी कोई पोलीस समक्ष फरियाद न करी होवानुं सामे आव्यु हतुं। नवसारी में दीकरी माटे सूज लेवा गयेला युवके लालच जागता फूटपेट शॉप में मोबाइल की उठांतरी करी हती। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद थता पोलीसे मोबाइल की चोरी करना शख्स की धरपकड़ करी छे। तो आज युवान छे ते सोनाना घरेणा बनावानुं काम करे छे। महिला डॉक्टर फूटवेरना शॉप में जे मोबाइल भूली जता युवके मोबाइल की उठांतरी करी हती। भावनगर में भाजपा पूर्व कोर्पोरेटर पुत्र और भत्रीजो जुगार रमता झड़पाया। भाजपा पूर्व कोर्पोरेटर अमरीश चुड़ासमा पुत्र अतुल चुड़ासमा और भत्रीजो हितेश चुड़ासमा जुगार रमता झड़पाया है। अशोक राठौड़ राकेश सोलंकी यासीन समन पण जुगार रमता झड़पाया है। तो कुंभारवाड़ा माड़िया रोड पर आवेला जुगारधाम में पुलिस दरोड़ा पड़ा था, ज्यां पूर्व कोर्पोरेटर पुत्र और भत्रीजो जुगार रमता रंगे हाथ झड़पाया है। पुलिस आरोपी पास से 6,000 से वधु मुद्दा माल कब्जे कर्यो छे। अमदावाद पुलिस की सी टीम द्वारा सीनियर सीटिजन माटे साइबर क्राइम अंगे अभियान शुरू करवामां आव्युं छे। साइबर गठियाओ जुदा जुदा प्रकारे लोकोने फसावी छेतरपिंडी आचरता होय छे। खास करीने सोशियल मीडिया की लिंक के अलग अलग कारणों छे तेना द्वारा जे सीनियर सीटिजन छे तेमने टार्गेट करवामां आवता होय छे। तो अभियान भागरूपे पुलिस की टीम पोताना विस्तार में दररोज 10 सीनियर सीटिजन की मुलाकात लेशे अने ऑनलाइन छेतरपिंडी थी बचवा अंगे माहिती आपशे। आ अभियान 22 एप्रिल सुधी चालशे। पंचमहालना मोरवा हड़प तालुकाना ताजपुरी गाम में लीला गांजा की खेती झड़पाई है। पंचमहाल एसओजीए बातमी आधार स्थल पर जेने तपास करता लीला गांजा की खेती थती होवानुं सामे आव्युं छे। तो आज ताजपुरी गाम में रहता जे भरतसिंह बारियाना खेतर में लीला गांजा की खेती झड़पाई है। एसओजीए 39 किलोग्राम लीला गांजा छोड़ साथ खेती करनार शख्स की धरपकड़ की है। मोरवा हड़प पुलिसे जीएनसीपीएस एक्ट हेठ गुनो नोधी आगनी तपास शुरू करी छे। कच्छनी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग दरमियान बीएसएफ ने चरसना पैकेट मिली आया है। अबड़ासाना लुणाबेट टापू पर पेट्रोलिंग दरमियान बीएसएफ जवानों ने बिनवारसी हालत में चरसना 10 पैकेट मिलया है। तो आज अफगान प्रोडक्ट ब्रांड लखेला आज चरसना पैकेट मिली आया हो। तो बॉर्डर नजीक चरसना पैकेट क्या थी आया चरसों जत्थो
कोण लाव्यु ते अंगे हाल तपास चाली रही छे। उल्लेखनीय छे के अगाउ पण कच्छना दरिया कांठे थी चरस नो जत्थो मळी आव्यो हतो। कोधराना नदीसर गाम में भ्रष्टाचार केस में आखरे फरियाद नोंधाई छे, तो कांकणपुर पुलिस मथके तालुका विकास अधिकारी 12 लोगों सामे फरियाद नोंधी छे। तो आज नदीसर ग्राम पंचायत विकासना कामों में भ्रष्टाचार कर 48 लाख ने ऊंचापत करी होवानुं सामे आवता जिला विकास अधिकारी जवाबदार लोगों सामे फरियाद करवानो हुकम कर्यो हतो। जिला विकास अधिकारी हुकम बाद जवाबदार 12 लोगों सामे पुलिस फरियाद नोंधवामां आवी छे। મહીસાગરના બાલાસિનોરમાં તંત્રને નબળી કામગીરીનો દાખલો સામે આવ્યો છે। વાતવાડમાં એક જીવતી જે મહિલા છે તેનો મરણનો દાખલો જે જોયા વગર ચેક કર્યા વગર કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો। ભીમણાબેન પરમાર નામની મહિલા જીવિત છે અને તેનો મરણ દાખલો કાઢવામાં આવ્યો છે। તો ભીમણાબેનના નાના પુત્રને જે માતાની મિલકતની આજે પચાવી પાડવા માટે માતા જીવિત હોવા છતાં તેનો મરણનો દાખલો કઢાવ્યો હતો। यात्राधाम सोमनाथ हेरिटेज पॉइंट अत्यारे आकर्षण केन्द्र बन्यु छे। सोमनाथ मंदिर की आसपास की दीवालों पर विविध प्रकार हेरिटेज चित्रों दौरवामां आव्या छे। तजज्ञ चित्रकारों द्वारा प्राचीन संस्कृति की अनुभूति करावा माटे चित्रों दीवालों पर दौरवामां आव्या छे। सोमनाथ मंदिर की रोड साइड पर आवेली दीवाल पर चित्रों दौरवानी कामगीरी चाली रही छे। तो 68 चित्रों दौराई गया छे, ज्यारे 29 चित्रों दौरवानुं काम चाली रह्युं छे। तो आजे अद्भुत कारीगरी दर्शावता आ चित्रों साथे प्रवासीओ सेल्फी पण लई रह्या छे। देश में कोरोना नवा 7,830 केस सामे आव्या छे। लगभग 223 दिवस बाद आटली मोटी संख्या में दैनिक नवा केस सामे आव्या छे। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय द्वारा जारी करवामां आवेल विगतो प्रमाणे देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या वधीने 40,000 ने पार थई गई छे। कोरोना कारण दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 2 दर्दियों मौत निपजा है, जयरे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात और उत्तर प्रदेश में 1-1 दर्दीनुं मौत थयुं छे। तो आ पहला आटली मोटी संख्या में कोरोना नवा केस 1 सप्टेम्बर 2022 रोज नोंधाया था। देश में कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट है 3.83% पर पहुंची गयो है। 24 कलाक में 4,692 लोगों कोरोना ने मात आपी स्वस्थ थया छे। वडाप्रधान मोदी बुधवार अजमेर थी दिल्ली जे कॉन्टेनमेंट रूट की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है तेने वीडियो कॉन्फरेंस मार्फते लीली झंडी बताई थी। आ वंदे भारत ट्रेन अजमेर दिल्ली कॉन्टेनमेंट वच्चे चालशे। हवे वंदे भारत ट्रेन माध्यम थी दिल्ली थी अजमेर मात्र 5 कलाक 15 मिनिट में पहुंची शकाशे। आ ट्रेन की रेग्युलर सेवा गुरुवार थी शुरू थशे। ट्रेन तेना रूट दरमियान जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में तेना स्टेशन पर रोकाशे। आ पहला अजमेर थी दिल्ली पहुंचवा माटे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में 6 कलाक 15 मिनिट समय लागतो हतो। आ वंदे भारत ट्रेन है विश्व की पहली सेमी हाईस्पीड पेसेंजर ट्रेन है। ट्रेन रूट कारण राजस्थान अनेक शहरों में पर्यटनों ने प्रोत्साहन मिले। पंजाब बठिंडा स्थित आर्मी विस्तार में फायरिंग में 4 लोगों मौत थया छे। आ घटना बाद जे कॉन्टेनमेंट विस्तार में सील कर दीवामां आव्यो छे। आ घटना बाद कॉन्टेनमेंट में कोईपण प्रवेशवा दीवामां आवी रह्या नथी। तो आज सेनाना साउथ वेस्टर्न कमांडरे निवेदन आप्यु छे के आज बठिंडा मिलिटरी स्टेशन नी अंदर आज सवारे लगभग 4:35 गोळीबार की घटना बनी थी, जेमा 4 लोगों मौत थया छे। तो आज स्टेशन क्विक रिएक्शन टीमों द्वारा सक्रिय करवामां आवी हती अने विस्तारों ने कोडन करीने सील करवामां आव्यो छे। हाल अत्यारे समग्र विस्तार में सर्च ऑपरेशन चाली रह्यु छे। ट्विटर की कमांड संभाळता इलोन मस्क अनेक मोटा फेरफार कर्या छे। एवामां हवे ब्लू टिक यूजर्स अंगे इलोन मस्के मोटी जाहेरात करी छे। तेमणे ट्विटर एकाउंट पर वेरिफाइड जे मार्क ब्लू टिक छे ते होवानी छेल्ली तारीख जाहेर करी दीधी छे। हवे जो तेमणे ट्विटर नुं ब्लू टिक मेळवा माटे सब्सक्रिप्शन नहीं लीधुं होय तो आगामी 20 एप्रिल तमाम एकाउंट पर ब्लू टिक छे वेरिफाइड मार्क हटी जशे। तो आ तारीख सुधी में जेणे पण सब्सक्रिप्शन चार्ज चूकवानो हशे तेने आ ब्लू टिक मळशे। उल्लेखनीय छे कि अमेरिका में iOS के एंड्रॉइड यूजर्स माटे दर महीने 11 अमेरिकन डॉलर अथवा दर वर्षे 114.19 डॉलर तथा वेब यूजर्स माटे दर महीने 8 अमेरिकन डॉलर के पछी दर वर्षे 84 अमेरिकन डॉलर चार्ज नक्की करायो छे। कुख्यात माफिया अतिक अहमद ने हवे डर सतावी रह्यो छे। मध्यप्रदेश शिवपुरी में अतिक अहमदे कह्युं छे के तेनो परिवार बर्बाद थई गयो छे। माफियागिरी प्रदेश में पहलाथी ज खतम थई चूकी छे। अतिक अहमदे तेना विरुद्ध नोंधायेला एक केसनी सुनावणी माटे प्रयागराज लई जवामां आवी रह्यो छे।
रात्रे 1.5 वाग्या आसपास राजस्थान बूंदी जिला में तेनी गाड़ी रोकाई त्यारे तेने मीडिया साथे बात करी हती, जेमां आतिक अहमद ना चेहरा पर डर हतो। चार दिवस भारत प्रवासे आवेला युक्रेन विदेशी बाबत उपमंत्रीए भारत वखाण कर्या तो एमिनी जापरवाए भारत की प्रशंसा करता कहूं कि युक्रेन और भारत बने सारा पड़ोसी मित्र देशों से भारत दूरदर्शी परिवर्तन ने जोईने लागी रही है कि युक्रेन साथ नवा संबंधों में जो बनावों में थोड़ा समय लगते भारत और युक्रेन वच्चे अनेक समानताओं है। तो रशिया साथ युद्ध अंगे युक्रेन विदेशी बाबत उपमंत्री है कहूं कि अमे कोईपण अधिकारी ने ठेस नहीं पहुंचे तेने ध्यान राखी आज अधिकार की लड़ाई लड़ी रहा है। G20 की अध्यक्षता कर भारते युक्रेन और रशिया वच्चे समाधान लावानो प्रयत्न कर्यो छे। म्यांमार की सेना की बर्बरता सामे आवी छे। मंगलवार म्यांमार की सेनाए पोताना ज लोको पर बॉम्बारो कर्यो हतो, जेमां बाळको सहित 100 जेटला लोकोना मौत थया छे। सैन्य शासन विरोध माटे योजवामां आवेल कार्यक्रम में हाजरी आपवा जई रहेला लोको पर म्यांमार की सेनाए हवाई हुमलो कर्यो हतो, जेमां बाळको सहित 100 लोकोना करुण मौत थया छे। तो म्यांमार की सेनाए आ कृत्य ने संयुक्त राष्ट्र ने निंदा करी छे। निर्दोष लोको पर म्यांमार की सेनाए केटलाक हवाई हुमलाथी यूएन आजे बर्बरता गणावी छे। म्यांमार में तख्ता पलट बाद सेना वधु आक्रमक बनी रही छे। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी नजीक है त्यारे भाजपनी मुश्किलों पण हवे वधी छे। भाजपना कदावर नेता जगदीश शेट्टाए जे पार्टी साथे बढ़वो पोकारना संकेत आप्या छे। भाजपे जाहिर करेला उम्मीदवारनी यादी में जगदीश शेट्टानुं नाम नथी, त्यारे जगदीश शेट्टारे पार्टी सामे नाराजगी जाहिर करी छे। तो शेट्टाने हजु सुधी पार्टीए टिकट नथी आपी, त्यारे शेट्टाए पार्टीने फरी एकवार विचार करवानुं कह्युं छे। तो जगदीश शेट्टारे बढ़वाना संकेत आपता कह्युं छे कि हूँ तो चूंटणी लड़ीश भले पार्टी टिकट आपे कि न आपे। पत्रकार परिषद में जगदीश शेट्टाए कहूं छे कि हाईकमान अने छेल्ली घड़ीए चूंटणी नहीं लड़वानुं कह्युं छे, हूँ पार्टी निर्णय थी नाराज छू, मैं छेल्ला 30 वर्षथी पार्टी माटे काम कर्युं छे, कर्नाटक में भाजपने मजबूत करवामां मारो फाळो छे। आपने जणावी दईए कि जगदीश शेट्टाए गणतरी आजे कर्नाटक में भाजपना कदावर नेता में थाय छे। मुंबई में छेल्ला केटलाक दिवसोथी कोरोना नवा केसों फरीथी वधवा लाग्या छे। कोरोना वधता जता केस जोता बीएमसीए पण सामान्य लोकोने चेतवणी आपी छे। बीएमसी मंगलवार योजनारी बैठक में घणा महत्वना निर्णय लीधा छे, जेमां वृद्धों माटे मास्क फरजियात करवामां आव्या छे। छेल्ला एक सप्ताह में मुंबई में 1500 वधु केस नोंधाया छे। तो मुंबई की विविध होस्पिटल में 102 दर्दीओ दाखल थया छे, जेमांथी 35 दर्दीओ ऑक्सिजन सपोर्ट पर छे। देश में फरी एक बार COVID-19 संक्रमण केसों वधवा लाग्या छे। दिल्ली राजस्थान हिमाचल जेवा घणा राज्यों में ज्यां एक महीना पहला सुधी कोरोना केस शून्य पर पहुंची गया था, त्यां चेपना नवा केसों चिंताजनक वधारो करी रह्या छे। जो कि सोमवार की सरखामणीए मंगलवारे ओछा केस नोंधाया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जाहिर करवामां आवेला आंकड़ा अनुसार भारत में छेल्ला 24 कलाक दरमियान कोरोना संक्रमण 5674 नवा केस नोंधाया छे, ज्यारे सोमवारे आ केसनी संख्या 5880 हती। कांग्रेस नेता राहुल गांधीए मंगलवार जणाव्यु कि भाजपे मारू सांसद तरीकेनो जे टेग छे ते छीनवी लीधो छे, परंतु मने जे वायडना लोकोनुं प्रतिनिधित्व करता अटकावी शकशे नहीं। राहुल गांधीए कह्युं छे कि संसद सभ्यमां एक जे टेग छे तो आ एक पद छे। राहुल गांधीए कह्युं कि भाजप टेग पद निवास स्थान छीनवी शके अने मने जेलमां नाखी शके, परंतु वायडना लोकोनुं प्रतिनिधित्व करता अटकावी शकशे नहीं। तेमणे कह्युं कि मने आश्चर्य थाय छे कि आटला वर्षो पछी पण भाजप तेमना विरोधीओने समजी शकी नथी। कांग्रेस नेता राहुल गांधीए वायनाड पहुंचा था। वायड में राहुल गांधीए राहुल गांधीए रोड शो में हाजरी आपी थी। तो राहुल बहन प्रियंका गांधी रोड शो में हाजर रहा था। लोकसभा में सभ्य पद गुमाव्या बाद पहली बार राहुल गांधी वायनाड पहुंचा था। तो राहुल गांधीए रोड शो ने सत्यमेव जयते नाम आप। मीडिया रिपोर्ट प्रमाण राहुल गांधी द्वारा लखवामां आवेल पत्रों वायड में मतदारों ने वहेंचवामां आवशे। कांग्रेसना पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधीए फरी एक बार केन्द्रनी मोदी सरकार पर निशान साध्या छे। एक अखबार में लखवामां आवेल लेख में सोनिया गांधीए कह्युं छे कि लादवामां आवेल मौन थी देश की समस्याओं समाधान नहीं थाय। सोनिया गांधीए मोदी सरकार पर तपास एजेंसीओं दुरुपयोग करता कह्युं छे कि मोदी सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी दुरुपयोग स्वाभाविक छे। 95% राजकीय केस मात्र विपक्षी नेताओं सामे ज नोंधाया छे। बीजी तरफ भाजप में जोड़ायेला लोको सामेना केस चमत्कारिक रीते गायब थई गया छे।
केन्द्रीय कायदा प्रधान किरेन रज्जुए मंगलवार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने लोकशाही और संस्थाओं की स्वतंत्रता अंगे की टिप्पणी ने जो भ्रामक निवेदन गणाव्युत कहूं कि सोनिया गांधी लोकशाही विषय भाषण आप रहा है। न्यायतंत्र की स्वतंत्रता की बात कांग्रेस पार्टी निवेदन भ्रामक है। सोनिया गांधी मोदी सरकार पर दरेक सत्ता दुरुपयोग करने आरोप लगवा सोनिया गांधी एक अखबार लेख में कहूं कि तमी पार्टी आ जे संदेश सीधा लोगों सुधी पहुंचाड़े और बंधारण की रक्षा माटे तमाम समान विचारवाड़ा है तो पक्षों साथ हाथ मिलावशे। आसाम से दिब्रुगढ़ में जाहिर सभा संबोधन दरमियान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार जणाव्यू कि आगामी लोकसभा चूंटणी में भाजप 300 थी वधु बैठकों जीतशे और फरीवार सत्ता में आवशे। अमित शाह दावो कर्यो छे कि आसाम थी कुल 14 लोकसभा बैठकों पैकी 12 सीटों पर भाजप जीत मेळवशे। अमित शाह कह्यु छे कि एक समय उत्तर पूर्वी भारत राज्यों में कांग्रेसनो गढ़ मानवामां आवतो हतो, परंतु राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बाद पण उत्तर पूर्वी राज्यों में कांग्रेस सारू परिणाम मेळवी शकी नथी। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह मंगलवार आसाम दिब्रुगढ़ में भाजप कार्यालय शिलान्यास समारोह में भाग लीधो। आ दरमियान कार्यकर्ताओं ने संबोधित करती वक्त कांग्रेस राहुल गांधी पर आकरा प्रहारों कर्या हता। कहूं कि राहुल बाबा विदेश में जाइने भारत विषय खोटी खोटी बातों करे छे, जो तेओ आ रीते देश ने बदनाम करशे तो समग्र कांग्रेस देश में बर्बाद थई जशे। तो राहुल गांधी आज माता ने पीएम मोदी ने गाड़ो आपवानी कोशिश करी थी, परंतु कहीं थयुं नहीं। तो त्रीजी वक्त पीएम मोदी पूर्ण बहुमती साथे सरकार बनावशे। पीएम मोदी 14मीए आसाम आवी रह्या छे। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी फरी एक बार केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशान साध्यु छे। तो एक न्यूज आर्टिकल में शेयर करता तेमणे कह्युं छे कि शाह कहे छे कि भारतीय सरहदो सुरक्षित छे, तेनो उल्लंघन करी शकाय नहीं। अमित शाह की आ बात साव खोटी छे। अमित शाह कोईपण रीते गृहमंत्री बनवा लायक नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी वधुमां कह्युं छे कि अमित शाह बेवड़ी नागरिकता पर काम करे छे तो सारूं रहेशे। तो सवारे अमित शाह अरुणाचल प्रदेश प्रवास हतो। आ दरमियान तेमणे निवेदन आप्युं हतुं कि देशनी एक इंच पण जमीन कोई हवे अतिक्रमण करी शकशे नहीं। कांग्रेसना नेता ने पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलटे वसुंधरा राजे सरकार दरमियान आज थयेला कथित भ्रष्टाचार ने लईने मंगलवारे जयपुर में उपवास कर्या हता। तो पायलटे भ्रष्टाचार सामे कार्यवाही की मांग कर रहा है। रसप्रद बात यह है कि राज्य में अशोक गहलोत नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। राज्य में आ वर्षे विधानसभा की चूंटी योजावा जा रही है। गहलोत और पायलट वच्चे जूनी दुश्मनी है। सांजे लगभग 4 वाग्ये उपवास समाप्त कर्या पछी तेमणे कह्युं कि भ्रष्टाचार विरुद्ध तेमनुं अभियान है तो चालू रहेशे। महाराष्ट्र पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भाजप पर जोरदार निशान साध्यु छे। उद्धव ठाकरे कहूं कि हूं मानु छू कि आ भाजपनी युक्ति है। धीमे धीमे मन में हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महत्व दूर करने मांगे छे। तेमनी पासे एवो कोई नेता नहीं कि जेने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीधो होय, तेओ दरेकना आदर्शों चोरी रहा है। तो ठाकरे बदे में कहूं कि बाबरी ध्वंसना आटला वर्षों वीती गया तो हवे आ खंडर में उंदरो बहार आवी रहा है। चंद्रकांत पाटिले जो उल्लेख कर्यो हतो ते बाबरीनी स्मृति आज बहार आवानो छे, जेनो कोई अर्थ नथी। केन्द्रीय चूंटणी पंचे आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी तरीके की मान्यता आपी दीधी है, त्यारे आ मुद्दे पार्टी राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जणाव्युं कि 10 वर्ष में आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी गई है। तेमणे कह्युं छे कि देश में 1300 वधु राजकीय पार्टीओ है, जे पैकी मात्र 6 पार्टीओ है जेने राष्ट्रीय पार्टी तरीके की मान्यता मिली है। आ 6 पार्टी पैकी 3 पार्टी एवी है कि जे एक के तेनाथी वधु राज्यों में तेनी सरकार छे, तेमां आम आदमी पार्टी पण आवे छे। अमेरिकाना प्रवास दरमियान केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमणे महत्वनुं निवेदन आप्युं छे। वॉशिंग्टन डीसी में आयोजित समिट में निर्मला सीतारमणे कह्युं छे कि भारतना मुस्लिमों की स्थिति पाकिस्तान में वसता मुस्लिमों करता सारी छे। भारत में वसता मुस्लिमों छे ते पाकिस्तान में वसता मुस्लिमों करता वधु प्रगति करी रह्या छे। केन्द्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमणे अमेरिकाना वॉशिंग्टन डीसी में स्थित अमेरिकन थिंक टैंक पीटरसन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भारत ने नकारात्मक पश्चिमी दृष्टि योग्य जवाब आप्यो हतो।